दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से यानी मोबाइल से 3D मूवी देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं और उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि 3D मूवी मैं खुद देखता हूँ और मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको जितना हो सके डिटेल में इसको बताने का कोशिश करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, कौन सा सेटिंग करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ बताऊँगा। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि 3D मूवी आखिर क्या है, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए है। 3D मूवी से क्या होता है कि अगर आप सिनेमा हॉल में जाओगे तो आपको नॉर्मली जो पर्दा दिखता है उसमें तो आपको जस्ट फोटो जैसा ही आपको मोबाइल में जैसा दिखता है वैसे होगा, ठीक है। लेकिन 3D मूवी में क्या है, अगर आप 3D मूवी यूज़ मतलब देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि जो पिक्चर होता है वो पिक्चर नहीं रहता है, वो ऐसा लगेगा मानो आप किसी के खिड़की के बाहर देख रहे हो, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस आपको आएगा कि ज़िंदगी में ऐसा आपने एक्सपीरियंस कभी दोबारा नहीं मिला होगा। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से इसको देखना चाहते हो तो इसी जगह पे आपको प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा, उनमें से कुछ एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी जान लेते हैं, अगर मोबाइल से आपको देखना होता है। पहला चीज़, अगर आप 3D मूवी को डाउनलोड करोगे, ठीक है, 3D मूवी जो होता है रियल में, खास करके ब्लू रे वाला अगर आप यूज़ करोगे तो उसका एक एक फाइल का साइज़ 45 GB, 50 GB से ज़्यादा, मैं MB नहीं बोल रहा हूँ, GB बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होता है मोबाइल के अंदर जितना जो जगह है नहीं होता है, खास करके आजकल के नॉर्मल जो फ़ोन होता है उसमें तो होता ही नहीं। डाउनलोड करने की बात करें तो इम्पॉसिबल है, उतना बड़ा बड़ा फाइल को बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र जिसमें आप डाउनलोड करते हो उसमें से ही आप डाउनलोड कर लेना, सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ से भी आप डाउनलोड करो उसका जो फाइल का साइज़ है वो हाई रेजोल्यूशन यानी 720 या फिर 1280x1080 मतलब जितना भी होता है HD का अगर आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसका फाइल का साइज़ आपको 300 MB, 500 MB, 700 MB के आसपास हो जाता है, उनको आप यूज़ कर लेना, ठीक है। ये पहला आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आज मैं आपको दूसरे के बारे में बताता हूँ तो क्या क्या सेटिंग है वो भी बताऊँगा। और तीसरा जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपको एक गॉगल्स चाहिए, ठीक है। गॉगल्स तो सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पोलराइज्ड ग्लास दिया जाएगा जो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिखता है, हल्का सा ग्रे कलर का ब्लैक कलर का, ठीक है। तो उसका अगर कीमत जो आप बात करें तो 500-600 का आसपास का कीमत होता है, जो आप नॉर्मल फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो पोलराइज्ड फिल्म में ही यूज़ होगा जो सिनेमा हॉल में होता है, मोबाइल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा कि आप यूज़ कर सकते हो लेकिन नहीं होता है। जो आपको यूज़ करना है वो है एनाग्लाफिक बोलते हैं, रेड एंड साइरन या फिर रेड एंड ग्रीन होता है, रेड एंड ब्लू होता है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे अगर बात करें तो आप देखोगे तो इसका जो कलर है आपको दो दो कलर दिखेगा, यहाँ पे एक तो ब्लू दिखेगा और एक है आपको यहाँ पे ऐसा कलर दिखेगा। कुछ लोग मुझे ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे मूवी देखने के टाइम पे तो क्या हमारा मूवी का जो कलर है वो इसी दोनों कलर में आएगा, तो भाई लोग ऐसा नहीं होता है। आप जो भी मूवी यूज़ करोगे, जो भी मूवी देखोगे उसमें आपको जैसा कलर था वैसे ही होगा, लेकिन 3D एक्सपीरियंस के साथ देख पाओगे। अगर आप मूवी को ऐसे डाउनलोड करोगे और गॉगल्स लगा के देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए उस मूवी को एनाग्लाफिक जो वर्जन होता है उस हिसाब से आपको रेजोल्यूशन जो बोलते हैं उस क्वालिटी में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो इसी जगह पे एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई वीडियोस 3D प्लस, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग भी करना पड़ेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने सब वीडियो आ जाएगा, आप जो भी नॉर्मल वीडियो डाउनलोड किए होंगे 3D वाला तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो इसके बाद आपको यहाँ से इसको मोबाइल को रोटेट कर लेना होगा, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने मोबाइल को जो स्क्रीन है इसको रोटेट कर लूँगा, और आप कोशिश कीजिएगा जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाने के लिए फुल। और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने जो मूवी चलेगा वो 2D वर्जन में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ 2D में दिखेगा जो नॉर्मली हम अच्छे तरह से देखते हैं, तो आपको इसको 3D में कन्वर्ट करने पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे बाएं तरफ देखेंगे इफेक्ट नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जो नीचे एक ऑप्शन है 3D, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो आप ये ऐसा देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए आपको गॉगल्स लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसी गॉगल्स का आप लगाना पड़ेगा और आपको कुछ सेटिंग भी करना पड़ेगा। आप अगर चाहे तो ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जाइए, नीचे सेट का ऑप्शन है, सेट पे जाएंगे तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो और सैचुरेशन को भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे अगर इसको वीडियो देखोगे तो आपको ये 3D का मज़ा आएगा और आपको इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा आपको और एक चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपका वीडियो का जो साइड है वो थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, तो इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए नीचे देखिए यहाँ पे कैमरे के पास एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन में ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इसके वीडियो को ऐसे देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। अगर आप चाहो तो आपका अगर मोबाइल में सेटिंग वेटिंग में प्रॉब्लम होता है ऐसा लगता है तो आप नीचे देखोगे बिल्कुल बाई तरफ सेटिंग ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे आप अपने गॉगल्स के हिसाब से इसको चूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है सेकेंड वाला, आप चाहे तो इसके आप अपना गॉगल्स के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा और 3D का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप इस गॉगल्स को खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसकी कीमत 150 के ऊपर आ जाता है, बहुत ही कम है, आप चाहे तो उससे भी ज़्यादा कीमत का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर 3D में आपको दूसरा टाइप का वीडियो देखना है तो आप और एक चीज़ काम कर सकते हो, वो है साइड बाई साइड आप इसे यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आप VR बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप VR बॉक्स से यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपके आँखों में डायरेक्ट लाइट जाता है, जिसमें आपका आँखों का डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो VR बॉक्स का यूज़ मत करना, जो मैंने आपको बताया इसे आप यूज़ कर लेना। और ये वाला गॉगल्स अगर आप इसे यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट से 10 मिनट तक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको लगेगा हाँ यार अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो आपको सेटिंग में जाना है, उसको ठीक तरह से देख लेना, चेक वेक कर लेना और वीडियो का भी आपको अच्छी तरह से सेटिंग वेटिंग कर लेना, हाई क्वालिटी का यूज़ करना, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, जानकारी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।